इसी गली की हैं खाक से, इसी गली की हैं खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। तो मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा ताल्लुक उस खानदान और उस तंजीम, उस ऑर्गेनाइजेशन से है जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए तवील जिद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी। खुद मेरे दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दसों साल जेलों में रहे, और जब मुल्क आज़ादी के करीब आया, मुल्क की आज़ादी का वक्त आया, तो हम आज सीने को चौड़ा करके इस बात को कहते हैं, हमारी जमात ने, हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने मजहब के नाम पर मुल्क की तकसीम की मुखालिफत की, और सब लोगों के मान लेने के बावजूद भी उन्होंने आखिर वक्त तक उस तकसीम को तस्लीम नहीं किया। हमें इस बात पर फख्र है, गर्व है। कि हमने ऑप्शन होने के बावजूद, हमारे पास ऑप्शन था कहीं और चले जाने का, हमने उस ऑप्शन को मंजूर नहीं किया, और इसी गली की हैं खाक से, इसी गली की हैं खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे।